हालेलुया हालेलुया लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वंस अगेन वी वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम टू ईच वन हर एक को शांति मिले गुड मॉर्निंग टू ऑल और सबको सुप्रभात हालेलुया यहोवा का महिमा हो बिफोर मैन इन द वर्ड ऑफ गॉड लेट्स क्लोज आवर आइज एंड लेट्स प्रे परमेश्वर के वचन का मनन करने से पहले आइए हमारी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। फादर वी कम इन जीसस नेम पिता हम यीशु के नाम में आते हैं थैंक यू फॉर वंस अगेन यू आर गैदर्ड अस फिर से एक बार आपने हमें इकट्ठा किया आपका धन्यवाद एंड फॉर दिस फेलोशिप वी वर्शिप यू और यह संगति के लिए हम आपकी आराधना करते हैं वी प्रे टॉक विद अस थ्रू योर वर्ड हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन के द्वारा हमसे बात करो वी आर सीकिंग द ट्रूथ हम सत्य को ढूंढ रहे हैं वी आर मेडिटेटिंग योर वर्ड हम यहां पर आपके वचनों का मनन कर रहे हैं वी आर लिसन यू हम आपको सुनना चाहते हैं टॉक विद अस हमसे बात करो मैन शैल नॉट लिव अलोन बाय ब्रेड योर वर्ड सेज आपका वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा बट बाय दैट वर्ड दैट यू स्पीक लेकिन जो वचन तू बोलता है उससे जीवित रहेगा वी वांट टू लिसन यू हम आपको सुनना चाहते हैं टॉक विद अस हमारे साथ बात करो ओपन अवर आईज हमारी आंखें खोलो टच अवर हार्ट हमारे हृदय को छुओ गिव अस लिसनिंग ईयर हमें सुनने वाले कान दो फादर वी प्रे आस्क इन जीसस नेम पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन आमेन हालेलुया यहोवा का महिमा हो वी आर स्टडीइंग एंड डिस्कसिंग गॉस्पल कॉन्ट्राडिक्ट वर्सेस हम सुसमाचार के विरोधाभास के वचनों का अभ्यास कर रहे हैं और उसके बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं पॉइंट नंबर 68 उसका 68वां मुद्दा हियर इज अ क्वेश्चन इन मैथ्यू 16 चैप्टर 26 टू 28 इफ यू रीड यहाँ पर एक सवाल है मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय और 26 से 28वां वचन यदि आप पढ़ो जीसस टॉकिंग विद द क्राउड टॉकिंग विद द पीपल यीशु मसीह लोगों के साथ बात कर रहे हैं एंड ही सेड और यीशु ने कहा यार सम आर स्टैंडिंग हु विल नॉट डाई टिल दे सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन हिज किंगडम यहाँ पर कुछ ऐसे मौजूद है जो जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे सो यार जीसस क्लेम दैट देयर आर सम पीपल हु आर स्टैंडिंग लिसनिंग दे विल नॉट डाई टिल आई कम इन द किंगडम इन माय किंगडम तो यहां पर यीशु ने कहा कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं तो वह जब तक ये लोग मरेंगे नहीं जब तक मैं मेरे राज्य में वापस ना आऊं हां टिल दैट दे विल लीव तब तक यह लोग जीवित रहेंगे They will not die. वे मरेंगे नहीं So question arise, तो सवाल उठता है Is it talking about Jesus coming back? तो क्या यह बात यीशु मसीह वापस आने वाले हैं उसके बारे में है We might think that until Jesus don't return in his kingdom, हम शायद ऐसा सोचेंगे कि यीशु मसीह अपने राज्य में जब तक ना आए until he don't come back, जब तक वह वापस नहीं आता है the people of that age are still living. तो यीशु मसीह पृथ्वी पर थे उस समय के लोग तब तक जीवित रहेंगे ऐसा शायद हम सोचेंगे लेट्स स्टडी मैथ्यू 26 चैप्टर 26 टू 16 चैप्टर 26 टू 28 आइए अभ्यास करें मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 26 से 28 वचन लिसन केयरफुली ध्यान से सुनो जीसस इज टॉट टीचिंग यीशु मसीह सिखा रहे हैं व्हाट अ मैन मैन प्रॉफिट फॉर व्हाट इज अ मैन प्रॉफिटेड इफ ही हैड शैल गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा और व्हाट शैल अ मैन गिव इन एक्सचेंज ऑफ हिज सोल या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा फॉर द सन ऑफ मैन शैल कम इन द ग्लोरी ऑफ हिज फादर विथ हिज एंजल्स मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा He will come with his angels. वह अपने स्वर्ग दूतों के साथ आएगा In Father's glory. पिता की महिमा में आएगा And he is there. He shall reward every man according to his works. और उस समय वह हरेक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा So here we see Jesus is saying that I am going to return back with angels. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ऐसा कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग दूतों के साथ वापस आऊंगा Verse 28. 28वां वचन. Truly I say to you, मैं तुमसे सच कहता हूँ. There be some standing here, कि जो यहाँ खड़े हैं, which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे So let's study this para. तो आइए इस पैराग्राफ का अभ्यास करें So Jesus was teaching that people earn for themselves.
तो यीशु मसीह सिखा रहे थे कि लोग अपने लिए कमाते हैं। Gather for their need. वे अपनी जरूरतों के लिए सब इकट्ठा करते हैं। And people are rich with all their need, or with all the need. और लोगों की जो जरूरतें हैं, सब जरूरतें उनकी पूरी होती हैं और वे धनवान होते हैं। If he gain all whatever he desire, यदि कोई मनुष्य जो कुछ भी इच्छा करे और सब कुछ पाले, And also if he have all the things that are in the world, और जगत में जो कुछ है सब कुछ वह पाले, And when he is about to die. और जब वह मरने पर होगा, Nothing is helpful what he had. तो फिर उसके पास जो कुछ भी होगा उसमें से कोई उसकी मदद में नहीं आ सकता। So here Jesus teaching, तो यहाँ पर यीशु सिखा रहे हैं। Whatever you have gathered, nothing help you or it's not profit to save your life. तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वह सारी चीजों से आप अपने प्राणों को बचा नहीं सकते। प्राणों को बचाने के लिए कुछ काम नहीं आएगा। Nothing else, what is the profit than to gain all thing? ये सारी बातें प्राप्त करने के बाद यदि अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ होगा? At the time of his age or as he is about to die, कोई मनुष्य जब मरने पर होगा तब, if he give all the his property, shall he save himself? उस समय यदि वह अपनी सारी संपत्ति दे दे तो क्या वह अपने आप को बचा पाएगा? Will he get more days in exchange of money? पैसा दे, get more days? पैसा देकर उसके बदले में क्या वह अपने जीवन में ज्यादा दिन पा सकेगा? If I give 1000 for one day, 2000 for second day, यदि मैं एक दिन के लिए 1000 दूं और दो दिन के लिए 2000 दूं, If I want to see one day and I expend 1 lakh to see one day, यदि मैं एक दिन देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं 1 lakh रुपया दूँ, and I want to see 2 day I spend 2 lakh, और यदि मैं 2 दिन देखना चाहता हूँ और मैं 2 lakh दूँ उसके लिए, and to save myself or to live more if I give all my belonging, और मुझे बचाने के लिए और ज़्यादा जीवन पाने के लिए, ज़्यादा जीवित रहने के लिए मैं मेरा सब कुछ दे दूँ, if I lose myself, what is the profit to gain all thing? और फिर भी यदि मैं ना बच पाऊँ, मेरा प्राण खो दूँ, तो ये सारी बातें प्राप्त करने का लाभ क्या? At hospital we know people are ready even to sell all thing, and also they pray for the beloved so that they be saved. अस्पताल में हम जानते हैं कि लोग अपने जान बचाने के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं और अपने प्रिय को बचाने के लिए प्रार्थना भी करते हैं। And they sell all things just to save their beloved. और अपने प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए वे अपना सब कुछ बेच देते हैं। So here Jesus saying, teaching, तो यहाँ पर यीशु सिखा रहे हैं। Verse 24. 24वां वचन। He said to his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, If any man want to come after me, let him deny himself. यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। So Jesus is teaching to his disciple and he is also talking with the world. तो यीशु मसीह अपने चेलों को भी सिखा रहे हैं और दुनिया वालों के साथ भी बात कर रहे हैं। He is teaching specially to his disciple saying, if you want to come behind me, then you should deny yourself. यीशु मसीह विशिष्ट तौर पर अपने चेलों से सिखा रहे हैं कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। Deny yourself, take up your cross and follow me. और अपने आप का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। Verse 25. 25वां वचन। For whosoever will save his life shall lose it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। So here Jesus is teaching that if you want to save yourself, then deny yourself and take up your cross and follow me. तो यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि यदि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपना इनकार कर लो और अपना वधस्तंभ उठाकर मेरे पीछे हो लो। And then he's talking with the crowd. और उसके बाद यीशु मसीह लोगों के साथ बात करते हैं। If a man sell all and give up all just to be saved, Can he still live? कि यदि मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दे तो क्या वह जीवित रह पाएगा? For healing and for life, people give all thing. चंगाई पाने के लिए और जीवन पाने के लिए लोग अपना सब कुछ दे देते हैं। They also give up all their belonging just to be healed. और चंगाई पाने के लिए उनका जो कुछ भी रहता है सब कुछ दे देते हैं। And he loses his life afterward. और उसके बाद भी
मनुष्य अपना प्राण खो देता है। So Jesus taught that what is the profit to gain and to store everything? तो यीशु ने सिखाया कि सब कुछ इकट्ठा करना और जमा करके रखना उसका फायदा क्या? For he lose his soul, what is man profit or what he gain? कि यदि मनुष्य अपने प्राण को गवा दे तो प्राण के बदले में उसका क्या फायदा? Verse 27. उसे क्या लाभ होगा? 27वां वचन। So Jesus is talking about the people who are want to save themselves. तो जो लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं उनके बारे में यीशु मसीह उनके साथ यीशु मसीह बात कर रहे हैं। And the crowd is saying, if you gain all things just to save your life, लोगों की भीड़ में यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि तुम अपने प्राणों को जीवन को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दो, if you gain all things you gather all things, यदि तुम सब कुछ इकट्ठा करो और सब कुछ प्राप्त कर लो, and after to save your life you spend everything, और उसके बाद अपने प्राण को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दो, and then after you lose, what is the profit to gain and to gather all things, और उसके बाद भी अपने प्राण गवा दो तो ये सारा संपत्ति इकट्ठा करने का क्या फायदा? So Jesus is teaching to his disciple that if you save yourself you will lose, and if you lose for me you will be saved. तो यीशु अपने चेलों से सिखा रहे हैं कि यदि तुम अपने आप को बचाना चाहोगे तो अपने आप को खो दोगे, और अपने आप को मेरे लिए खो दोगे तो अपने आप को बचा लोगे। And further he says that I am going to return back. और आगे यीशु कह रहे हैं कि मैं वापस आने वाला हूँ। And I am going to reward every man according to their works. और मैं हर एक मनुष्य के वो अपने कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। And he says that I am going to sit and I am going to reward. I am going to sit on the seat to judge the people and reward to every man. और यीशु कहता है कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा लोगों का न्याय करने के लिए और हर एक मनुष्य को प्रतिफल दूंगा। Who are following my teaching and who are not denying themselves. और जो लोग मेरे शिक्षा को मान रहे हैं, पालन कर रहे हैं, और जो लोग नहीं मान रहे हैं, who are not denying themselves but just want to save themselves. और जो लोग अपने आप का इनकार नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग। Now here we are verse 28. यहाँ पर हम 28वें वचन में देखते हैं। Okay, 27 says, I will pay each person for what he has done on earth. 27वें वचन में लिखा है कि मैं हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा, उसने जो कुछ भी पृथ्वी पर किया है उसके अनुसार। Believe me, to be saved. उद्धार पाने के लिए, बचने के लिए मेरा विश्वास करो। और गैदर एवरीथिंग टू सेव योरसेल्फ, या फिर अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ इकट्ठा करो। व्हाट शैल अ मैन गिव इन एक्सचेंज ऑफ हिज सोल, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? जस्ट टू सेव हिमसेल्फ व्हाट ही हैज दैट ही कैन गिव इन एक्सचेंज। मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए उसके पास ऐसा क्या है कि जो अपने प्राण के बदले में दे सके? For the man shall come in his glory of his father with his angel and reward. क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने पिता के महिमा में आएगा अपने स्वर्ग दूतों के साथ और लोगों को प्रतिफल देगा। He will reward. और वह प्रतिफल देगा। Those who believe, he will reward them. जो लोग विश्वास करते हैं उनको वह प्रतिफल देगा। And who don't believe in Jesus Christ, but they are trying to save themselves with the money, also he will reward them. और जो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन अपने आप अपने प्राण को अपने संपत्ति या पैसा के द्वारा बचाना चाहते हैं, उनको भी वह प्रतिफल देगा। And further he says, और आगे वह कहता है, Some are here standing. कि यहाँ कुछ ऐसे खड़े हैं, they will not taste death or they will never die, कि वे, till they see the son of man coming into his kingdom, कि वे मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे या मरेंगे नहीं जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए देख ना ले। Now this is hard to believe. अब यह बात विश्वास करना कठिन है। Three things here we read in we study or we see in this 28 verse. या 28वें वचन में हम तीन बातें देखते हैं, तीन बातों का अभ्यास करते हैं। Who are standing here? First thing. पहली बात यह है कि यहाँ पर जो लोग हैं वह कौन खड़े हुए हैं? Who are they who are standing? वहाँ पर जो लोग खड़े हैं वह कौन हैं? The present people, who are they? वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वह लोग कौन हैं? Some are there. Jesus said that they will not taste death till they see the Son of Man coming in his kingdom. कुछ लोग वहाँ ऐसे खड़े थे, वह लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, मनुष्य के पुत्र को अपने राज्य में आते हुए देखेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। So there were people
सम पीपल जीसस टॉकिंग अबाउट देम, तो वहां पर कुछ लोग थे और यीशु उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड थिंग, दूसरी बात, ही सेड दे विल नॉट डाई हु आर हियर, सम आर हियर हु विल नॉट डाई. यीशु ने कहा कि कुछ लोग यहां है वे मरेंगे नहीं. टिल दे सी मी इन किंगडम, जब तक वे मुझे राज्य के साथ ना देख ले तब तक मरेंगे नहीं. टिल दे डोंट सी मी कमिंग इन माय किंगडम, जब तक वे मुझे मेरे राज्य में आते हुए ना देखे वे मरेंगे नहीं. दे विल नेवर डाई, वे कभी मरेंगे नहीं. टिल दे सी द सन ऑफ मैन कमिंग इन हिज किंगडम, मनुष्य के पुत्र को वे अपने राज्य में आते हुए देख ना ले तब तक. सो देयर आर सम पीपल हु आर नॉट गोइंग टू डाई, तो वहां पर कुछ लोग हैं जो मरने वाले नहीं है. थर्ड थिंग, तीसरी बात, जीसस सेड दैट सन ऑफ मैन कमिंग इन हिज किंगडम, यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में आ रहा है. नाउ व्हाट इज द ट्रुथ, अब सत्य क्या है? जीसस सेज, यीशु कहते हैं, देयर आर सम पीपल चोजन पीपल फ्रॉम गॉड, वी विल गेट और रिसीव ग्रेस टू सी जीसस रिटर्न इन हिज किंगडम, कि वहां पर कुछ परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग उसकी ओर से अनुग्रह पाएंगे जो लोग यीशु मसीह को अपने राज्य में आते हुए देखेंगे. नाउ जीसस इज टॉकिंग अबाउट किंगडम, अब यीशु मसीह राज्य के बारे में बात कर रहे हैं. He is not talking about the earthly kingdom. यीशु मसीह पृथ्वी पर के राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे. He is not talking about returning to the earth again. और फिर से वापस वह पृथ्वी पर आने वाला है, वह बात के बारे में यीशु मसीह बात नहीं कर रहे. He is talking about his own kingdom. लेकिन यीशु मसीह अपने खुद के राज्य के बारे में बात कर रहे. Son of man will come in his kingdom. कि मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में आएगा. He didn't say, I am going to return back to the world. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस पृथ्वी पर वापस आऊंगा. He said not even that about father kingdom. और पिता के राज्य के बारे में भी यीशु ने नहीं कहा. Nor he talked about God kingdom. और यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में भी बात नहीं की. Not even he said about the church that he is going to establish. और कलीसिया की जो स्थापना वह करने वाला था उसके बारे में भी उसने नहीं कहा. He didn't say that I am going to sit as a head over the church. मैं कलीसिया के ऊपर सिर बनकर बैठूंगा, उस बारे में यीशु ने नहीं कहा. Son of man is coming in his kingdom, that what he says. मनुष्य का पुत्र अपने राज्य में आ रहा है, ऐसा यीशु ने कहा. And where is his kingdom? और उसका राज्य कहाँ है? Not on earth. यह पृथ्वी पर नहीं. In some translation it is translated this. कुछ भाषांतरों में इस तरह से भाषांतर किया है. He is arriving in his reign. कि वह अपने राज्य में आ रहा है. Yes. Some translated. कुछ लोगों ने ऐसा भाषांतर किया है. Until they see the kingdom of man, son of man's kingdom begin. And there are few people who will not die till they see the Son of Man kingdom begin. कुछ लोग ऐसे हैं, वे लोग मनुष्य के पुत्र के राज्य की शुरुआत को ना देख ले तब तक वे मरेंगे नहीं. Some have translated like this. कुछ लोगों ने इस तरह से भाषांतर किया. So what Jesus is talking about? तो यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं? He was not talking about the church time that kingdom I am going to reign. यीशु मसीह कलीसिया के उस समय के बारे में, कलीसिया का जो राज्य था उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे कि उसमें मैं राज करूंगा. He is talking about his own kingdom. लेकिन यीशु मसीह अपने ही राज्य की बात कर रहे थे. Where is his kingdom? उसका राज्य कहाँ है? John 17 and verse 5. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 5वां वचन. Jesus is praying, Father, glorify me with your own glory, own self, with the glory which I had with you before the world was. यीशु प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी. सो जीसस वॉज ग्लोरिफाइड बिफोर द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड. तो इस सृष्टि को रचा गया उससे पहले यीशु महिमा में थे, महिमावंत थे. एंड ही वॉज नॉट ऑन द अर्थ. और यीशु पृथ्वी पर नहीं थे. बट ही वॉज हैविंग ग्लोरी इन हेवन. लेकिन स्वर्ग में वह महिमा के साथ थे. Where was Jesus before he came to the earth? यीशु मसीह पृथ्वी पर आए उससे पहले कहाँ थे? John 6 and verse 62. यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय और 62वां वचन. Jesus said, What if you people see me ascending up where I was before? How is that? यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझे जहाँ मैं पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा?
how it is that I where I was before. You can see me. मैं पहले जहां था वहां पर यदि तुम मुझे देख पाओ तो कैसा लगेगा. John 18 verse 36. यूहन्ना का सुसमाचार 18वां अध्याय 36वां वचन. When Jesus was captured and he was brought before Pilate. जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और पिलातुस के सम्मुख लाया गया. And Pilate asked, "Are you king?" और पिलातुस ने पूछा, क्या तू राजा है? And Jesus answered, "My kingdom is not of this world." और यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं. So Jesus' kingdom is not on the earth. तो यीशु का राज्य इस पृथ्वी पर नहीं. So he is going to come in his kingdom. That what he said. तो यीशु अपने राज्य में आएगा, ऐसा उसने कहा. In Luke 22 and verse 30 verse. लुका का सुसमाचार 22वां अध्याय 30वां वचन. When he was suffering with his disciple. यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ भोजन ले रहे थे. He was eating that you and he promised to his disciple that you shall eat and drink at my table in my kingdom one day. वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए यह वचन देता हूँ, ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो. Yes. वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो. So Jesus said that one day will come where you will sit with me in my kingdom. तो यीशु ऐसा कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे राज्य में मेरे साथ बैठोगे. And you will eat and you will drink with me. और तुम मेरे साथ खाओगे पियोगे. And also you will sit not on the earth but you are going to sit on the throne and judge the people. और तुम पृथ्वी पर नहीं बैठोगे लेकिन सिंहासन पर बैठोगे और इज़राइल के 12 गोत्र के लोगों का न्याय करोगे. So when Jesus is talking about his kingdom, तो यीशु मसीह जब अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, talking about his throne, तो यीशु मसीह अपने सिंहासन के बारे में बात कर रहे हैं. When Jesus said in Matthew 16 chapter that there are people, some people, selected people who are not going to die until they don't see me. In my kingdom. जब यीशु ने ऐसा कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे चुने हुए लोग हैं, वह लोग जब तक मुझे मेरे राज्य में ना देख ले तब तक मरेंगे नहीं. So there were 12 disciples also, there were 70 disciples also. तो यह बात जब यीशु ने कही तो वहाँ पर 12 चेले भी थे और 70 चेले भी वहाँ पर मौजूद थे. We were standing and listening Jesus Christ. जो वहाँ पर खड़े रहकर यीशु मसीह को सुन रहे थे. And Jesus promised that there are some people who are going to see me in my kingdom. और तब यीशु ने वचन दिया कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मुझे मेरे राज्य में देखेंगे. And I'm going to sit on my throne. और मैं मेरे सिंहासन पर बैठूंगा. Jesus was not talking about that return to the earth. यीशु मसीह पृथ्वी पर वापस आने वाले हैं, उस बात के बारे में यीशु बात नहीं कर रहे. Also, he didn't talk about the church establishment. और चर्च कलीसिया की स्थापना के बारे में भी यीशु मसीह ने बात नहीं की. But he was talking that I'm going to heaven and people, my disciple, there are some people who we are going to be witness. और लेकिन यीशु ने ऐसा कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और यहाँ पर कुछ मेरे लोग हैं, मेरे चेले हैं, जो मेरे बारे में गवाह बनेंगे. They will see me in my kingdom. वे लोग मुझे मेरे राज्य में देखेंगे. When Jesus died and he rose back, जब यीशु मरे और वापस जीवित हुए, he visited his disciple 40 days. He visited them. तो यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों की मुलाकात ली. In Acts 1st chapter verse 3 verse we can read. प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ सकते हैं. And also he taught them that my kingdom is going to come. और यीशु ने यह भी सिखाया कि मेरा राज्य आने वाला है. I am going to establish Israel. मैं इज़राइल को स्थापित करूंगा. Verse 9. 9वां वचन. And when he has spoken this thing, while they were looking, beheld what happened. He was taken up, and a cloud received him out of their sight. और यीशु जब ये सारी बातें कह रहे थे, तो उन चेलों के देखते-देखते यीशु ऊपर उठा लिया गया. और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. Verse 10. And while they were looking steadfastly towards heaven as he went up, behold, two angels they appeared in white cloth, white apparel. और यीशु के जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे,
तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए. And these two men or two angels, they said, "Oh, people of Galilee, why you stand to gaze up in heaven? What you are looking in heaven?" और यह दो पुरुष या दो स्वर्ग दूतों ने आकर उनसे कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? So there were disciples watching upside. तो वहाँ पर चेले थे जो ऊपर देख रहे थे. And Jesus was been lifted up. और यीशु को ऊपर उठा लिया गया. They are seeing into the heaven. और यीशु they are watching in heaven. Watching Jesus going up in heaven. और चेले यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देख रहे थे. But they didn't saw Jesus coming in his kingdom. लेकिन उन्होंने यीशु को अपने राज्य में आते हुए नहीं देखा. But the angel said, "Now no, go back and pray for Holy Spirit." लेकिन स्वर्ग दूतों ने कहा उनसे कि अब वापस जाओ और जाकर प्रार्थना करो पवित्र आत्मा के लिए. For as you see Jesus going up, he is going to come back in the year. जैसे तुमने यीशु को ऊपर जाते हुए देखा, वैसे ही वह वापस यहाँ पर एक बार आएगा. So these disciples they didn't saw Jesus enter in his kingdom. तो यह चेलों ने यीशु मसीह अपने राज्य में प्रवेश आया ऐसा नहीं देखा. But they just were gazing in the heaven and cloud covered up. लेकिन वे लोग ऊपर आकाश की ओर ताक रहे थे और बादल ने यीशु मसीह को ढांप लिया. When Jesus was on this earth, he promised his disciple that in my father's house there are many mansions. जब यीशु भी पर थे तो अपने चेलों को वचन दिया और कहा कि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे ठिकाने हैं. John 14 chapter 2 and verse 3. यूहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय दूसरा और तीसरा वचन. And he says, "I go to prepare a place for you." और यीशु वहां पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं. And if I go and prepare a place for you, I will come back and I will receive you into myself. और यीशु ने कहा कि यदि मैं जाऊं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर वापस आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा. Where am I, you may also be. और जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे. So after death, Jesus went up in heaven. तो मृत्यु के बाद यीशु स्वर्ग में गए. And also promise his disciple that I am going to take you up. और अपने चेलों को भी वचन दिया कि मैं तुम्हें भी मेरे साथ ऊपर ले जाऊंगा. When Peter started ministry, जब पत्रस ने सेवकाई शुरू की, and he healed a lame man, और जब पत्रस ने एक लंगड़े को चंगा किया, in chapter 3rd chapter 20-21, प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय 20-21 वचन. Peter has already saw Jesus going up in heaven, but he didn't saw that he is sitting on the throne. Petrus ne Yeshu Masih ko swarg mein jaate hue to dekha tha, lekin apne sihasan par baitha hua nahi dekha tha. He is preaching to the people. Petrus logon se prachar kar raha hai. God has sent Jesus Christ which before he was preached to you. Ki Parmeshwar ne Yeshu Masih ko bheja jo pehle tum jiske bare mein तुम्हें उसके बारे में प्रचार किया गया. The holy prophets, they are already spoken since the world began. पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से ये सारी बातें निकली जगत की उत्पत्ति से. That Jesus have to come. कि यीशु को आना पड़ेगा. And so he got sent Jesus Christ. तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा. Now Jesus is up in heaven. Verse 21. अब यीशु ऊपर आकाश में है. And until the time of restoration of all things, he have to stay there. और अवश्य है कि यीशु स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले. Now Peter is teaching that Jesus Christ have to stay up in his kingdom until the days of the universal restoration be restored. अब पत्रस यहाँ पर ऐसा सिखा रहा है कि यीशु मसीह को अपने राज्य में तब तक रहना पड़ेगा जब तक इस पृथ्वी पर सारा सुधार ना लाया जाए. Until the day that he make not everything new. सारी बातों को वह नई ना बना दे तब तक. Until he establish which God has spoken him be repaired. परमेश्वर ने जो उससे बताया है कहा है सारी चीजों को वह मरम्मत ना कर ले और उन्हें स्थापन ना कर ले तब तक वह ऊपर रहेगा. Once again he don't set up which was when fall.
जो गिर गया है उसे फिर खड़ा करके वह स्थिर ना कर दे तब तक. He have to stay up in heaven. उसे तब तक आकाश में स्वर्ग में रहना है. So Peter is the one who saw Jesus Christ going up in heaven, but he here we don't see Jesus coming in his kingdom. तो पत्रस एक आदमी है जिसने यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखा, लेकिन यीशु मसीह अपने राज्य में वापस आता है ऐसा. He is sitting on the throne. He didn't saw that. लेकिन यीशु अपने सिंहासन पर बैठा है वह उसने नहीं देखा. But there was one man named Stephen. लेकिन एक मनुष्य था जिसका नाम स्टेफन था. In Acts 6 chapter. प्रेरितों के काम 6th अध्याय. He was chosen to serve food to the believer. विश्वासी लोगों को भोजन देने के लिए उसे नियुक्त किया गया था. He was filled with Holy Spirit and full of wisdom and full with power and full of faith. और वह स्टेफन पवित्र आत्मा से और ज्ञान से और सामर्थ से और विश्वास से भरपूर था. In Acts 6 chapter 5 and verse 8 you can read. प्रेरितों के काम 6th अध्याय 5 से 8 वचन आप पढ़ सकते हैं. Now this Stephen is talking about Jesus Christ. अब यह स्टेफन यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है. And the Jew were angry. और वह सुनकर यहूदी लोगों को गुस्सा आया. Because Jesus said, Stephen said, क्योंकि स्टेफन ने ऐसा कहा, I saw Jesus Christ in his kingdom. कि मैंने यीशु मसीह को उसके राज्य में देखा. He was standing beside God. जो परमेश्वर के बाजू में खड़ा था. So here we see in Acts 7 chapter 55 verse 56. तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 7th अध्याय 55 और 56 वचन. This man Stephen, यह मनुष्य स्टेफन, filled with Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरपूर होकर looked up, स्वर्ग की ओर देखा, steadfastly in heaven, into heaven, उसने स्वर्ग की ओर ताक कर देखा, and saw the glory of God, और परमेश्वर की महिमा देखी, and Jesus Christ standing on the right hand of God, और यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा. Stephen saw God glory. स्टेफन ने परमेश्वर का महिमा देखा. And also he saw there Jesus Christ standing on the right hand of God. और स्टेफन ने यीशु मसीह को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए भी देखा. Verse 56. 56वां वचन. And behold, I see heaven open. Here he is speaking to the people crowd. और फिर स्टेफन लोगों से कहता है कि देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ. I see heaven open. मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ. And I am seeing Son of Man standing on the right hand of God. और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ. So what Jesus prophesied that there are few people who are going to see me in my kingdom. तो यीशु ने जो भविष्य कहा था कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो मुझे मेरे राज्य में देखेंगे. So the standing people among them was Stephen. तो वहाँ पर जो खड़े थे उनमें स्टेफन था. So Stephen didn't die till he saw the glory of Jesus Christ. तो यीशु मसीह का महिमा जब तक स्टेफन ने नहीं देखा तब तक वह मरा नहीं. And later on, in just few minutes, people stoned Stephen. He died. और कुछ पलों के बाद ही लोगों ने स्टेफन को पत्थर से मारा और स्टेफन मर गया. So Stephen, before he died, he saw Jesus Christ incoming in his kingdom. तो स्टेफन मरे उससे पहले उसने यीशु मसीह को अपने राज्य में आते हुए देखा. Praise Lord. प्रभु का महिमा हो. So what Jesus Christ said, that was right. तो यीशु मसीह ने जो कहा था वह सही था. There are few people and Stephen, I believe that he was among 70 disciples. और वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और 12 चेले और 70 लोगों में स्टेफन भी वहाँ मौजूद था ऐसा मैं विश्वास करता हूँ. प्रेज़ लॉर्ड. परमेश्वर का महिमा हो. गॉड गिव यू ग्रेस एंड मेक यू अंडरस्टैंड. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपको समझाए. आमेन. आमेन. लेट्स क्लोज आवर आईज. आइए हमारी आंखें बंद करें. थैंक जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह का धन्यवाद करें. थैंक फॉर हिज ग्रेस. उसके अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करें. थैंक होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा का आभार माने. For he make us understand what Jesus said. क्योंकि यीशु ने जो कहा सारी बातों को पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं. He teaches Jesus Christ lessons. यीशु मसीह के सारे पाठ पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं. Yes, Holy Spirit, we love you. हाँ पवित्र आत्मा हम आपसे प्रेम करते हैं. Thank you for giving us understanding. हमें समझदारी देने के लिए आपका धन्यवाद. As Jesus said that there are people who will not die before they see me. I'm in my kingdom. जैसे यीशु ने कहा कि कुछ लोग यहाँ पर है वह जब तक मुझे मेरे राज्य में ना देख ले तब तक मरेंगे नहीं. And there was standing Stephen even. और वहाँ पर स्टेफन भी खड़ा था. Who saw you
स्टैंडिंग इन द इन इन योर किंगडम जिसने यीशु मसीह आपको देखा आपके राज्य में खड़े देखा एज जीसस यू सेड फादर आई वाज विथ यू एंड बीन ग्लोरीफाइड विथ यू बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड जैसे यीशु आपने कहा कि पिता मैं तेरे साथ पहले से था और तेरे साथ महिमा में था जगत की उत्पत्ति से पहले एंड लॉर्ड जीसस यू वेंट अप वेयर यू वर और प्रभु यीशु वही जगह में आप वापस गए वी वर्शिप यू हम आपकी आराधना करते हैं एंड टिल यू डोंट रिपेयर ऑल द थिंग दैट इज फॉलन यू हैव टू स्टे देयर और जब तक जो कुछ भी गिर गया है सबको आप मरम्मत ना कर लो सुधार ना लो तब तक आपको वहां रहना है एंड वी आर वेटिंग योर रिटर्न और हम आपके वापस आने के लिए राह देखते हैं वी बिलीव इन यू जीसस यीशु मसीह हम आप में विश्वास करते हैं लॉर्ड वी प्रे फॉर ईच वन हु आर वाचिंग और लिसनिंग प्रभु जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं गिव देम ग्रेस टू अंडरस्टैंड उनको अनुग्रह दो समझने के लिए लेट योर वर्ड अबाइड इन अस आपका वचन हम में जुड़ा रहे लेट योर ट्रुथ बी रिसीव्ड और आपके सत्य का स्वीकार किया जाए इन जीसस नेम वी प्रे फॉर ईच सोल यीशु के नाम में हम हर एक आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं लेट योर वर्ड मल्टीप्लाई आपका वचन बढ़ता जाए इन जीसस नेम यीशु के नाम में आमेन आमेन लेट्स कंटिन्यू प्रेइंग व्हाट लॉर्ड टॉट आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें और फादर हु आर्ट इन हेवन ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो लॉर्ड बी थाई नेम आपका नाम पवित्र माना जाए थाई किंगडम कम आपका राज्य आए थाई विल बी डन आपकी इच्छा पूरी हो As it is in heaven, let it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो. Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो. And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो. As we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया. And lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ले जाओ. But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ. For thine is kingdom. क्योंकि राज्य आपका है. Thine is power. पराक्रम आपका है. Thine is glory. महिमा आपका है. Forever Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो. In Jesus name. यीशु के नाम में. इसे आमेन. हम आमेन कहते हैं. Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग देखने के लिए धन्यवाद